ये जो टमाटो ग्रेवी हम बना रहे हैं, इससे आप रेस्टोरेंट की तरह बहुत सारे टेस्टी रेसिपीज बना सकते हैं, जैसे बटर चिकन, शाही पनीर या फिर ऐसे ही बहुत सारे टाइप के रेसिपीज आप बना सकते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट वाला खाना पसंद होगा तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बिना किसी देरी के। तो पहले मैंने ले लिया है 6 टमाटर। हमने बड़े साइज के टमाटर लिया है, अगर आप छोटे साइज के टमाटर ले रहे हैं तो 7 से 8 टमाटर ले लें। और टमाटर को हम बड़े बड़े हिस्सों में काट लेंगे, या फिर आप एक टमाटर को 4 हिस्सों में काट लीजिए। और टमाटर काटने के बाद हम ले लेंगे 1/2 कप काजू। और हाँ, काजू को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप 1/2 कप काजू नहीं लेना चाहते तो 1/4 कप काजू ले ले, और साथ में 1/4 कप मगज। फिर हमने कढ़ाई ले लिया है जिसमें हम डाल देंगे 2 से 2.5 कप पानी। और पानी डालने के बाद हम गैस का फ्लेम एकदम तेज कर देंगे और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो थोड़ी देर बाद पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें डाल देंगे लगभग 7 से 8। कश्मीरी लाल मिर्च के साथ डाल देंगे काजू और कटे हुए टमाटर। अब हम इन तीनों को 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे, और गैस का फ्लेम हमें एकदम तेज भी रखना है, लेकिन हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा के एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर के छिलके निकल चुके हैं। बस हमें इसी स्टेज तक टमाटर को पकाते रहना है। तो अब हम इसका गैस बंद कर देंगे और इसे तुरंत गर्म पानी से निकाल लेंगे। और इसे गर्म पानी से निकालने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पानी बच गया है, हम इसे भी रखेंगे, क्योंकि ये हमें आगे यूज आने वाला है। तो मैंने इन दोनों को अलग अलग बर्तन में निकाल लिया है। और अब जो उबले हुए लाल मिर्च, काजू और टमाटर है, हम इन्हें पीस लेंगे, पर हमें इसे ठंडा करके पीसना है। तो हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है, और अब हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। फिर हमने कढ़ाई ले लिया है जिसमें हम डाल देंगे तेल। तेल हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच, और हमें रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करना है। और तेल डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, और तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए, हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने डाल दिया है 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 छोटी इलायची और दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने बड़े टुकड़े लिए हैं, और साथ में 2 बड़ी इलायची और 6 से 7 मैंने लौंग ले लिया है। और लौंग डालने के बाद हमें खड़े मसालों को थोड़ी देर पकने देना है। और जैसे ही खड़े मसाले थोड़ी देर बाद पक जाते हैं, हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। और जीरा डालकर हमें जीरा को भी थोड़ी देर पकने देना है। और जीरा पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अगर आपको अदरक लहसुन के पेस्ट की रेसिपी चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे, और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 बड़ा चम्मच हल्दी और 1/2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे हल्का सा तीखापन आ जाएगा ग्रेवी में। इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, और इसे मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो ग्रेवी। टमाटो ग्रेवी को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे, और कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर टमाटो ग्रेवी को मिक्स करने के बाद जो हमने पानी बचा के रखा था, उसे भी हम छान कर डाल देंगे, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने येलो ग्रेवी और ओनियन टमाटो मसाला की भी रेसिपी शेयर की है, मैंने इन दोनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इसे जाकर ज़रूर देखें। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, और नमक डालकर हमें इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। नमक मिलाने के बाद हम गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे, और इसे ढककर लगभग 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और 5 मिनट बाद हम इसे दोबारा चेक कर लेंगे। पहले हम इसे एक बार चला लेंगे, और चलाने के बाद हमें इसका गैस बंद कर देना है। तो ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमेशा ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।